नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि एक ही कॉर्ड को कितने अलग अलग पोजीशंस के थ्रू उसके द्वारा उसको बजाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप जानते हैं कि सी शार्प मेजर कॉर्ड है जो भी मैं प्ले कर रहा हूं। मैं अपने अगर आप ये कॉर्ड्स के बारे में नहीं जानते, अलग अलग कीज के बारे में नहीं जानते, तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बहुत डिटेल में बनाने की कोशिश करी है। अगर आप उन ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आप देख सकते हैं। प्रॉपर मैं सीरीज बना रहा हूं अभी हारमोनियम की, तो आप प्रॉपर लेसन वाइज आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए वहाँ से आप प्रॉपर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में बताया था और काफ़ी लोग जानते भी कि सी शार्प मेजर कॉर्ड है। तो देखिए, यहाँ पर कभी कभी सी शार्प मेजर इस तरीके से ही नहीं दबाया जाता, इसको और भराव देने के लिए हम ऊपर वाला जो सी शार्प का जो नोट है, जो पहला काला, उसको भी हम दबा सकते हैं। देखिए, तो वो इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से साउंड करेगा। ये नॉर्मल है और यहाँ पर एक नोट हमने और ऐड कर दिया तो थोड़ी सी खूबसूरती इसमें ऐड हो जाती है। एक सी शार्प का तरीका ये हो गया। अब कभी कभी कुछ केसेस में हम थोड़ा और वैरायटी साउंड करवाने के लिए सी शार्प मेजर जो कॉर्ड है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये है ना, तो इसमें आ गया सा ग प और सा। सी शार्प का सा, अगर हम सी शार्प को सा माने तो सा शुद्ध ग प और सा, तो हम चाहे तो इस वाले सा को हटाकर सिर्फ इसको भी रहने दे सकते हैं, यानी कि ये भी सी शार्प नोट है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम इस तरीके से भी सी शार्प को प्ले कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीन वैरायटीज हो गई हैं। तो पहली हुई जो साधारण तरीका है, फिर उसमें हम ये ऐड कर देंगे ऊपर का सी शार्प नोट, फिर हम ये वाला सी शार्प छोड़कर ऐसे भी बजा सकते हैं। अभी बेसिकली डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन पर कि उस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। जैसे अभी हमने सी शार्प बजाया, तो गाना अगर इसी सा ग या प में से शुरू हो रहा है तो ये बिल्कुल अच्छा साउंड करेगा। बट अगर ये ऊपर के सा से शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा और भराव देने के लिए हम इस तरीके से भी कॉर्ड दे सकते हैं। सी शार्प मेजर पूरा इस तरीके से भी आ सकता है, या सी शार्प मेजर सिर्फ ग प सा ऐसे भी आ सकता है। या अगर हमको और ऊपर का साउंड चाहिए तो हम क्या करेंगे कि सी शार्प मेजर में अब हमको मेन नोट देखना है कि क्या क्या लग रहा है, यानी कि एक जो पूरा कॉर्ड है वो जो तीन सुर आ रहे हैं वेस्टर्न के हिसाब से कैसे बन रहा है। सी शार्प को डिजाइन करने के लिए हमारा सिंगल नोट सी शार्प, और उसके बाद इसमें एफ नोट और इसमें जी शार्प, तो ये तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा कॉर्ड बनता है सी शार्प। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, अलग अलग ऑक्टेव में इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सी शार्प ऊपर का प्ले करना है और मुझे थोड़े मतलब ऊपर के जो नोट्स है उसका साउंड चाहिए, तो सी शार्प में ये वाला प्रेस करूंगा। और सी शार्प, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे कॉर्ड बनता है ना, सी शार्प में सी शार्प एफ और जी शार्प आ रहा है, तो जी शार्प मैं ये वाला ले लेता हूँ, सी शार्प ये वाला, और एफ नोट मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो ये भी सी शार्प कॉर्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर का सी शार्प भी बजा सकते हैं। ये भी सी शार्प होगा, ये भी सी शार्प है, ये भी सी शार्प है, इस तरीके से भी सी शार्प को प्ले कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीके हो गए, कॉर्ड एक ही है मगर उसके अलग अलग रूप चल रहे हैं। तो एक ये भी सी शार्प हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है, इस तरीके से भी हो गया ग प सा ग, मतलब मेन उसमें सा ग प ही लग रहा है, बट अलग अलग तरीके से लग रहा है। कभी हमने प मध्य सप्तक का ले लिया है, कभी मध्य सप्तक का ले लिया, कभी सा ऊपर का ले लिया, कभी ग भी ऊपर का ले लिया हमने। तो इस तरीके से ये पोजिशनिंग आपको चेक करनी होगी, और ये यही एग्जैक्टली हर कॉर्ड के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग पोजिशनिंग सीखने का सबसे मेन मकसद ये होता है कि अगर आपको सी शार्प से एफ शार्प पर शिफ्ट होना है, तो आप देखिए कि सी शार्प तो ये हो गया। अब उसके बाद एफ शार्प में क्या क्या नोट लगते हैं, एफ शार्प जैसे कि आप जानते हैं ये है, अब एफ शार्प का ये सा है और इसका शुद्ध ग और ये प, और मुझे कॉर्ड बनाना है एफ शार्प मेजर, तो आप जानते ही हैं कि सागा पास से कॉर्ड बनता है, तो ये हो गया एफ शार्प मेजर। अब एफ शार्प मेजर के अंदर, अब जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में कि ये सरगम के हिसाब से एफ शार्प अगर सा है तो ये इसका शुद्ध ग हुआ और ये हुआ प, तो सागा प मिला के कॉर्ड बना। बट अगर इंडिविजुअली वेस्टर्न नोट्स के हिसाब से अगर हम इसका नेम देखें तो एफ शार्प मेजर कॉर्ड किससे क्रिएट हो रहा है, एफ शार्प, और इसमें जो दूसरा नोट लग रहा है वो है बी फ्लैट, और जो तीसरा नोट लग रहा है वो सी शार्प, तो इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो एफ शार्प मेजर कॉर्ड हमारा क्रिएट होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर बेसिकली एफ शार्प में क्या क्या आ रहा है, एफ शार्प, बी फ्लैट और सी शार्प, तो सी शार्प तो यहाँ पर भी आता है, तो मैं चाहूँ तो इस वाले सी शार्प को छोड़ के इस वाले सी शार्प को प्रेस करके भी अगर मैं एक कॉर्ड बजाता हूँ तो भी ये एफ शार्प मेजर ही रहेगा। तो अगर मुझे सी शार्प मेजर से एफ शार्प मेजर पर शिफ्ट होना है तो मुझे सिर्फ इस तरीके से दो उंगली शिफ्ट करनी होगी। अगर मैं ऐसे करूँगा, देखिए अगर मैं प्रॉपर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना मुझे प्रॉब्लम हो सकती है,
मुझे इस तरीके से हाथ उठाकर ले जाना पड़ेगा और कभी कभी हाथ फंस भी जाता है, तो यही टेक्निक्स होती है कि हम कॉर्ड्स की पोजीशनिंग चेंज जब हम करना सीख जाते हैं तो हम इजीली उसी टाइम तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे कॉर्ड की तरफ। अब देखिए सी शार्प मेजर है, एफ शार्प मेजर करने के लिए मैंने सिर्फ दो उंगलियां यहाँ पर रख दी हैं क्योंकि इनडायरेक्टली यही एफ शार्प मेजर था, तो मैंने इस वाले प की जगह इस वाले प को प्रेस कर दिया, तो मुझे सी शार्प से एफ शार्प मेजर में शिफ्ट होने के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। अगर मैं सी शार्प से जी शार्प पर जाता हूँ, अब जी शार्प देखिए कॉर्ड तो ये आ गया है ना, जी शार्प मेजर अगर ये कॉर्ड है, जैसा कि आप जानती हैं मैं ऑलरेडी अपने पुराने कॉर्ड्स वाले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ तो अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। जी शार्प पर अगर मुझे जाना है तो देखिए सी शार्प एफ शार्प जी शार्प, अब जी शार्प मैं यहाँ का ना बजा कर ऐसे भी बजा सकता हूँ क्योंकि जी शार्प के अंदर नोट्स देखिए क्या क्या लग रहे हैं, एक तो जी शार्प है और एक सी नोट है और डी शार्प या ई फ्लैट, यह हिंदी में दूसरा काला जो भी हम बोल सकते हैं इसको, तो ये दूसरा काला छोड़कर यानी कि ये डी शार्प नोट छोड़कर या ई फ्लैट छोड़कर मैं ये वाला ई फ्लैट भी तो बजा सकता हूँ, तो पोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मेनली क्या है कि जी शार्प मेजर में जो हमारे मेन तीन नोट लग रहे हैं जैसे जी शार्प सी और ई फ्लैट या डी शार्प, मैं इसकी पोजीशनिंग अब मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ कॉम्पोजिशन के सुर के हिसाब से, मतलब वहाँ पर क्या टोन ज़्यादा सूट कर रहा है कॉर्ड का तो वो भी देखना होता है। तो अब देखिए मैं जी शार्प के लिए और सबसे इजी क्या पोजीशनिंग कर सकता हूँ, मैं अगर सी शार्प से बजा रहा हूँ तो, और मुझे अगर इसी दायरे में बजाना है तो देखिए कितना आसान है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होना अगर मैं पोजीशंस का ख्याल रखता हूँ। तो अब ये जी शार्प हो गया, अब देखिए यहाँ पर भी तो ई फ्लैट है डी शार्प आ रहा है तो मैं इस वाले को यूज़ करूँगा इसके बजाय, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, और ये सी नोट के बजाय मैं ये वाला सी नोट भी यूज़ कर सकता हूँ तो ये भी जी शार्प मेजर ही होगा। ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, 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 ग प सा ग, मतलब उस कॉर्ड के अकॉर्डिंगली। तो देखिए सी शार्प मेजर अभी मैंने बजाया, फिर मैं यहाँ से सिर्फ दो उंगलियाँ चेंज करी एफ शार्प मेजर पर पहुँच गया, फिर अगर मैं तीनों उंगलियां ऐसे मतलब यहीं पर मुझे ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर बहुत ईजिली जी शार्प मेजर पर आ चुका हूँ। तो सी शार्प मेजर एफ शार्प मेजर जी शार्प मेजर, कितना ईजिली मैं इसको शिफ्ट कर पा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, ये ज़रूर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है बट अगर आप कोशिश करेंगे इसको समझने की तो आप बहुत ईजिली इसको अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत स्मूथली आप कॉर्ड्स पर शिफ्ट कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और साथ ही साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे से जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।